हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चार फिश ब्रेड स्लाइसेस से ढेर सारे ब्रेड रोल। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, और बच्चों का तो फेवरेट होता है सब चीज़। तो आज मैं इवनिंग में बना रही हूँ, तो ये इवनिंग का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ, कोई सा ब्रेड आपको ले लेना है, ब्राउन ब्रेड ले या मैदा का ब्रेड ले, मिल्क ब्रेड ले, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चार ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हूँ। इसे हमें तोड़ लेनी है, इस तरह से तोड़ ली हूँ बारीक। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ऊपर से, तो आप नॉर्मल दूध ले करके डाल दें, गर्म दूध नहीं डालना है। थोड़ा सा इस तरह से देखिए, मैं ऊपर ऊपर से दूध डाल रही हूँ, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है इस तरह से दूध अगर स्प्रिंकल करिएगा तो। और उसके बाद इस तरह से आटा की डो में हम यहाँ पर लगा लिए हैं। अब एक कढ़ाई बैठाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, मैं यहाँ पर सरसों तेल डाली हूँ, और एक बड़े साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। इसे हमें हल्का सा सॉटे कर लेनी है। और फ्रेंड, आपको याद दिला देती हूँ, प्लीज़ वीडियो की एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, लेकिन लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद एक मैं कैप्सिकम डाली हूँ, और एक चम्मच में डाल दी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं थोड़ा सा कूट ली थी उसी को डाली हूँ, और दो यहाँ पर छोटे वाला ऑरेंज वाला जो गाजर होता है उसे भी मैं चॉप कर ली थी, उसको हम डाल दिए हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर और प्याज डाल दिए हैं, और इसको ज़्यादा हमें नहीं भूनना है फ्रेंड, बिल्कुल हल्का से इसको हमें सॉटे कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल हल्का से ही हमें कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर बॉईल करके ग्रेट कर लिए था आलू, तो एक बड़े साइज का जितना मैं आलू भी ले रही हूँ, और मैं यहाँ पर सब्जी बचा ले रही हूँ, और भी मुझे कुछ बनाना है इसलिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद आलू को भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, यानी कि एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लें। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच की जितना काली मिर्च का पाउडर, और एक छोटा चम्मच की जितना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिज़्ज़ा ऑरेगानो। तो यहाँ पर इससे काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो आपके पास अगर पाउच वाला है, छोटा छोटा जो आता है, वो भी एक आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाली हूँ चिली फ्लेक्स, कूटी हुई मिर्च, और सबको हम एक साथ मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे, तो यहाँ पर गैस को बंद कर देनी है, और इस मिक्सर को हमें ठंडा कर लेनी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं नमक थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, नमक मैं भूल गई थी डालना, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में, और इसको हमें अच्छी तरह से ठंडी कर लेनी है। पहले मैं ठंडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ फ्रेंड, आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाला ठंडा हो गया। उसके बाद जो मैं डो बनाई थी ब्रेड का, उसको मैं डाल दे रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही आप डालें। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें मिलाएंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ले ली हूँ चीज़, तो यहाँ पर अमूल का चीज़ है, उसको मैं एक क्यूब ले ली हूँ, उसको मैं ग्रेट कर दी हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और एक से दो चम्मच के जितना मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे क्या होता है जब आप बनाएगा तो ऑयली नहीं बनता है, ज़्यादा ऑयल इसमें एग्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया था, मैदा और पानी का घोल बना ली थी, तो उसको मैं साइड में रख ले रही हूँ। और अब मैं ब्रेड क्रम्स एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप क्या करें, नॉर्मल जो ब्रेड होता है उसी को आप मिक्सर में पीस लें, थोड़ा सा चर्न कर लें, तो ब्रेड क्रम बन जाती है। मैं भी वैसा ही करती हूँ फ्रेंड, मैं मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ ब्रेड का। और अब मैं थोड़ा सा ये मिक्सर को लूँगी, इस तरह से मैं हाथ में ले करके रोल कर लूँगी। अगर आपका चिपक रहा है थोड़ा सा हाथ में, ऑयल लगा लें, और इस तरह से सिलेंडर शेप में आपको बना लेनी है। वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। अब इसको हम मैदे वाले बॉल में डीप करेंगे, और यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स से उसमें हम अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे, पूरी अच्छी तरह से कोटिंग कर देना है इसको हमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको मैं दिखा देती हूँ एक करके, इसी तरह से सारा हमें कर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर सारा मैं बना करके तैयार कर ली हूँ फ्रेंड, सिर्फ चार पीस ब्रेड से, वो भी छोटा वाला ब्रेड में ली थी, बड़ा वाला नहीं ली थी। इतने सारे बन करके तैयार हो गया है, हम लोग के लिए काफ़ी सारा इतना हो जाएगा फ्रेंड। तो आप जितना फैमिली मेम्बर है उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर तेल बैठा दी थी, रिफाइंड ऑयल वो गर्म कर ली थी अच्छी तरह से, उसमें हमें जितना एक बार में आएगा उतना डाल देनी है। तो आपको अच्छी तरह से पहले फ्लेम को हाई कर लेना है, यानी कि इसको हाई फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है। यहाँ पर बच्चे भी खाने के लिए वेट कर रहे हैं,
यहाँ पर थोड़ा मैं क्रिस्पी ज़्यादा बना ली थी फ्रेंड, थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक टोकरी में इस तरह से, और बाकी भी दूसरे बैच को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दो बैच में हमारा सारा फ्राई हो गया था फ्रेंड। यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पर सारा मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ फ्रेंड, काफ़ी टेस्टी बना था। तो हम लोग अब खाने जा रहे हैं, आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड आपको मेरी वीडियो एक कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से फिर मैं